कि ये रिपल्सन जो हो रहा है, ये रिपल्सन सबको समझ में आ रहा क्या? यार दो कुत्ते अगर पास पास में है तो वो ज्यादा भौंकेंगे, तो ज्यादा भौंकेंगे तो आपस आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं, एक दूसरे को काट पीट भर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आजू बाजू में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सेम वैसे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो बड़े बड़े ग्रुप आसपास में हो, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को छुपा देता है, तब भी वो फॉर्म में रिपल्सन होगा। जितने पास होंगे उतने ही रिपल्सन होगा। दो बड़े ग्रुप कौन से हो गए, जैसे अगर सपोज मैं एग्जाम्पल लू CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाऊं, तो इसको वन लेना है आपको, इसको टू लेना है। ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन या रेयर कार्बन। तो अब फ्रंट कार्बन को डैश से अपन करते हैं, इसको दो हाइड्रोजन है, आप कैसे भी ले सकते हो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक CH3 इधर लिया। फिर उसके है ना, ये दो हाइड्रोजन है इस कार्बन को, ये वन नंबर कार्बन है, इसको दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, एक CH3 लगा दिया। फिर उसके बाद ये पीछे वाला कार्बन ये है अपना CH2, इज द रेयर कार्बन, इसको अपन ऐसा दिखाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है, इसको भी दो हाइड्रोजन है, सपोज मैंने ऐसा लगा दिया, ये दो हाइड्रोजन लगा दिया और इसको एक CH3। तो ये जो बल्की ग्रुप है CH3, इधर पे पहले कार्बन पे CH3 है, दूसरे कार्बन पे भी CH3 है, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, इसी को बोलते हैं अपन एंटी, इसी को बोलेंगे अपन एंटी हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला है ना, इस तरह से रोटेट करना, रोटेट करो 60 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद, ये तो बदलने वाला नहीं है। अब ये पीछे वाला जो है वो रोटेट हो जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, ऊपर में इधर पे इधर आ जाएगा सपोज। फिर उसके बाद ये H इसके पास आ जाएगा और ये H इसके पास आ जाएगा। अब यार ये कौन सा फॉर्म हो गया, अभी देखो ये ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक, ये ग्रुप एक दूसरे से क्या है, छुपे हुए, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे बड़ा ग्रुप आ रहा है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया क्या, आप बोलोगे हाँ, लेकिन वो हाइड्रोजन CH3 जैसे बड़े ग्रुप को पूरी तरह से नहीं छुपा सकता, इसलिए इसको बोलेंगे पार्शियल या पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म बोल देंगे। पार्शियली मतलब पूरी तरह से उसने उसको नहीं ढका है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, अब अपन 60 से फिर से रोटेट करते हैं, तो ये वाला इधर आएगा, आप समझ गए होंगे, ये वैसा का वैसा रहेगा, बराबर है। इसको अब आप देखो, ये CH3 इधर आ जाएगा अपना, ये H इधर आएगा, ये H इधर आएगा। अब ये फॉर्म क्या हो गया बताइए, इसी को आप बोलोगे, ये फॉर्म कौन सा हो गया, एंटी कैसे हुआ यार, एंटी तो बड़े बड़े ग्रुप जब अपोजिट साइड में होंगे तब एंटी ग्रुप, एंटी बोलेंगे अपन। ये वाला कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ सभी लोग, स्टैगर्ड, हाँ सुनील बराबर है, स्टैगर्ड हो जाएगा, गॉज, अभिषेक बोल रहा है गॉज हो जाएगा, वेरी गुड, और बाकी लोग भी बोलो।
अभिषेक बोल रहा है बिल्कुल सही है, ये फॉर्म हो जाएगा उसको। कैसे पता चला? तो जब बड़े बड़े स्टैगर्ड तो है ही, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये 60 डिग्री पे, बड़े ग्रुप तो है ना, ये क्या आगे एक दूसरे के पास में आगे 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे 60 डिग्री पे आ गया ये एंटी है ये कॉस, बट यहाँ पे ये दोनों सेम ग्रुप है, मतलब रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब है कि इधर पे रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, अपोजिट में। तो अब इस कंडीशन में गॉस ज्यादा, इस कंडीशन में गॉस लेस स्टेबल हो जाएगा एंटी की तुलना में। कौन सा? एंटी वाला जो हो जाएगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एंटी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ऐसे कंडीशन में गॉस। ये सबको समझ गया क्या? अब आगे भी आप चलते रहो, एक बार इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रोटेट करना है सेम वे से। ये जैसा का वैसा रहेगा। अब कैसा होगा? ये CH3 रोटेट करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा CH3, फिर ये H नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और ये H यहाँ पे चला जाएगा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? ये तो जाना पहचाना फॉर्म आपका, ये CH3 उसको ही ढक दिया पूरी तरह से, हाइड्रोजन भी, तो ये फुली इक्लिप्स्ड हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप? फुली इक्लिप्स्ड। आप समझ रहे हो बात? ये क्या हो गया? फुली इक्लिप्स। अगर आप इसको भी रोटेट करते हो, देखो इसको भी रोटेट करते हो, तो आपको फिर रिपीट चीजें मिलेंगी। ये रोटेट करने के बाद ये कहाँ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा H। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये और वो तो सेम ही लग रहे हैं मेरे को, बराबर है क्या? ये और वो क्या होंगे? सेम। तो ये भी गॉस फॉर्म हो गया। तो यहां पे आपने, हाँ तो ये भी गॉस फॉर्म ही होगा। अब रोटेट करेंगे तो देखो, अब रोटेट करेंगे तो CH3 इधर आएगा, मतलब इसके जैसा हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स के जैसा। ठीक है, तो अब आपको यहां याद रखना है, फुली इक्लिप्स मतलब जब एक बड़ा ग्रुप दूसरे ग्रुप को छुपा देता है, फुली इक्लिप्स। अब जो दो ग्रुप है वो एक दूसरे को 60 पे आ रहे, एक दूसरे से 60 में आ रहे, तो ये गॉस फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बाकी सब चीजें, ये एंटी फॉर्म हो जाएगा। एंटी फॉर्म भी और गॉस फॉर्म भी स्टैगर्ड का ही फॉर्म है। तो स्टैगर्ड जो होता है उसमें आप एंटी भी और गॉस भी ये दोनों देख रहे हैं स्टैगर्ड, क्योंकि ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड। बट स्टैगर्ड में दो सिचुएशन आपको दिखने को मिलेगी, एक तो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में और एक तो बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे। तो ऐसे कंडीशन पे एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होगा कॉस की तुलना में। जल्दी जल्दी इसको लिख ले। अब इसका एक और चीज अपन देखेंगे कि गॉस एंटी से ज्यादा स्टेबल हो सकता है, उसकी दो सिचुएशन आएंगी, और वो दो सिचुएशन मैं आपको अभी बताता हूं। ये वाला ड्रॉ कर लो जल्द। हो गया ये सबका? हो गया? सरेस बॉन्डिंग में होता है क्या? हाँ चलिए, तो ये हो गया है सबका। जल्दी जल्दी कर लो।
आराम से समझो। तो अब तक एंटी हमारे लिए ज्यादा स्टेबल था, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लोन पेयर के आजू बाजू 60 डिग्री पे अगर कोई बल्क ग्रुप दिखा तब बहुत ज्यादा स्टेबल होता। तो पहले एक एग्जांपल अपन देखते, सपोज ये कल अपन देखे थे CH2OH, CH2OH, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। इसका जल्दी जल्दी फॉर्म बनाओ। तो 1 वाला, इसको क्या क्या लगे हैं, दो हाइड्रोजन है, एक OH लगा है सपोज। अब पीछे वाला कार्बन, ये तो सबको बनाना आ गया, उसको दो हाइड्रोजन है, अब कैसे भी दे दो। अब सपोज मैंने ऐसे दे दिया, दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH, तो ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर ये तो NP दिख रहा है। यस। फिर मैं रोटेट करता हूं इसको, रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये तो बदलने वाला नहीं है, ये फिक्स पोजीशन रहेगी इसकी। फिर ये वाला बदल जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, ये इसके बाजू में आएगा, यहाँ पे OH, ये इसके बाजू में आएगा H, ये इसके बाजू में आएगा। तो ये कौन सा हो गया बताइए। ये एक्लिप्स हो गया बट पार्शियली हो गया। अब 60 से फिर से रोटेट करके देखते हैं, पार्शियल एक्लिप्स। यस, बहुत सही। कोई कोई लोग आंसर दे रहे हैं और कोई कोई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। वो विश्वानंद रहता तो बोलता ही, सर चल क्या रहा है। अब ये OH में यहाँ लिखे आ रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आपको समझ गया, ये ऐसे इधर आएगा। अब जरा देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका गॉल। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, कल मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, एच के साथ, है ना, ये एच के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया वहां पे कॉस ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया, कॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सबको, ये पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एच बॉन्ड बनेगा, तब गॉस ज्यादा स्टेबल होता है एंटी की तुलना में। क्या ये सबको समझ में आ गया? अभी ये दो अलग अलग OH है, अलग अलग कार्बन को है, तो इनको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो अभी उतना ही सर, कंडीशन नंबर 1 रिपीट। विनय कल भी रिपीट किया था यार कि यहाँ पे ये OH और OH आ रहे, मतलब एक में OH है, दूसरे में BOH है, तो ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये इसको बॉन्ड बनाता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड, जिस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन। ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जब आपस में वो 60 डिग्री पे हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा अपन बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आजू बाजू में इसके बन गए, ये गॉस फॉर्म है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो जब भी गॉस फॉर्म आया अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी से। समझ गया। अब उसके बाद हम दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं,
कंडीशन वन हो गया, कंडीशन टू भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कंडीशन नंबर टू, लोन पेयर एंड बल्कि बल्कि ग्रुप आर एट 60 डिग्री। तो जब ऐसा होगा 60 डिग्री पे बल्कि ग्रुप होगा तब लोन पेयर के 60 डिग्री पे, जब गॉस फॉर्म होगा मतलब ये फॉर्म गॉस फॉर्म हो जाएगा तो तब गॉस ज्यादा स्टेबल होता है एंटी की तुलना में। तो एक अपने हिसाब से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपन अमाइन ले लेते हैं, NH2 CH2 CH3, ये तो कोई तकलीफ नहीं है सबको, CH3 CH2 NH2 ऐसा बोलते अपन। अमाइन है ये, एथेन अमाइन, इसके पास लोन पेयर रहते हैं ना, इसको वन बोल देंगे अपन, इसको टू बोलेंगे। अब वन पे नाइट्रोजन है तो अपन बनाते हैं ये नाइट्रोजन, इसको क्या क्या है जरा देखो, दो हाइड्रोजन है, मैं ऐसे रख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और ऊपर में लोन पेयर है। कैसा है? लोन पेयर। अब ये कार्बन है इधर पे, इसको भी दो हाइड्रोजन है, सपोज मैंने ऐसा रख दिया, अभी अपन ये ऐसा लिख दिया, ये एच लिख दिया, ये एच लिख दिया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सबसे पहले तो ये हो गया गॉस फॉर्म। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के 60 पे बड़ा ग्रुप है, तो जब ऐसा सिचुएशन आया। और दूसरा, मैं डायरेक्टली अभी सिचुएशन ही बता रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। अगर ये CH3 नीचे अपोजिट में आया तो एंटी बोलेंगे अपन इसको, बाकी फॉर्म तो आप बना सकते हो। तो ये एंटी फॉर्म है, अपोजिट में है बल्कि ग्रुप लोन पेयर, तो तब गॉस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एंटी के तुलना में। बस ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या ये क्लियर हो चुका है सबको? मजा आ रहा है कि सजा लग रही है? सर एक क्वेश्चन सेंड, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो फिर तकलीफ में रहेगा। समझ रहा है डिंपल? बहुत सही बेटा, वेरी गुड। और बाकी लोग भी बोलिए क्या चल रहा है आपके माइंड में। सर इंटरेस्टिंग है, सुमेध भी बोल रहा है इंटरेस्टिंग है। हाँ बेटा एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ये तो, हमको भी पढ़ाने में मजा आता है। कुणाल बोल रहा है समझ में आ रहा है, चलिए तो सर इंटरेस्टिंग है। प्रणय यू आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग, प्रणय बहुत मेहनत करता है, इंटेलिजेंट लड़का है, तो वेरी गुड सबको। और ऑलमोस्ट मुझे मैसेज आ गए हैं, कम से कम 40 मैसेज आ गए, तो सबका एक ही रिस्पॉन्स है कि समझ में आया। तो चलिए थोड़ा सा हम अभी कुछ डायग्राम ड्राइग्राम के फॉर्म में इनको समझते। तो वैसे हमने बहुत सारे न्यूमेंस प्रोजेक्शन बना लिए, तो सबको समझ में आ गया है न्यूमेन कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने पहले 0 डिग्री से 60 किया, 60 से 120, कल का मैं पूरा डायग्राम वो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको रिमाइंड करता हूँ, पहले 0 था, फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 180, 240, फिर 300। ठीक है, कल की बात करें तो ये हम एक एनर्जी प्रोफाइल, एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। सपोज ये एंगल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डायहाइड्रल, स्पेलिंग अलग अलग है एक ही बात है, डायहाइड्रल एंगल और
और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ प्लॉट करने की सोचा। तो यहाँ पे 0 डिग्री दे दिया मैंने, इधर पे 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री ले लिया अपन, यहाँ पे 240, यहाँ पे 300, ऐसा ले लिया। अब थोड़ा सा समझो बात को, मैंने क्या बोला था, जिसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जिसकी ज्यादा रहेगी, मोर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल। ये कल ही बात हुई थी अपनी, इतना तो समझ गया आपको कि जिसकी ज्यादा एनर्जी रहती है वो कम स्टेबल होता है। तो उसके बाद इमेजिन करो कि अपन इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यार बनाना ही पड़ेगा मेरे को वो। तो इथेन का मैं ऊपर में छोटा छोटा बना रहा हूँ, फिर अपन उससे ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। इथेन आप लोग इथेन का डायग्राम और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो। तो सबसे पहला अपन ये वाला कंसिडर करेंगे, तो बताइए ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये पुल्ली क्या है, एक्लिप्स्ड है। तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब एंगल तो जीरो जीरो है, फुली इक्लिप्स्ड है। यस, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये फुली इक्लिप्स्ड है, ये पहला डायग्राम हो गया अपना। इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर उसको मैं, हाँ, इसको मैं 60 से रोटेट करता हूँ। तो 60 से रोटेट करने के बाद ये पहला वाला तो वैसे ही रहेगा यार, इतना तो समझ गया आपको। और दूसरा वाला फिर कैसा आ जाएगा, ये ऐसा बीच में आ जाएगा ना। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री पे है वैसे, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री हो गया तो अपन बोलेंगे गॉस फॉर्म हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे, गॉस। तो सपोज मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ये 60 पे थोड़ा सा नीचे आ गया सब। फिर उसके बाद और करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, और करेंगे तो ये थोड़ा सा ये एच यहाँ पे आएगा, ये एच। फिर उसके बाद ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर से कौन सा फॉर्म आएगा, एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। सपोज ये भी फुली एक्लिप्स लग रहा है, मतलब अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये भी क्या लग रहा है अपने को, फुली एक्लिप्स लग रहा है, लग रहा ना। तो अब ये अपन एक्लिप्स फॉर्म मान के चलते हैं कि अगर कोई बड़ा ग्रुप रहता है, सपोज ये CH3 है, ये CH3 है, तो फुली एक्लिप्स हो गया। अगर मैं CH3 ले लूं, चलो ये CH3, ये CH3, ये CH3 इधर आ गया, ये CH3 इधर आ गया, और ये CH3 है, ये CH3 है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये फुली इक्लिप्स्ड है क्या, नहीं, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है, मतलब यहाँ से एनर्जी थोड़ा सा क्या होगी, ऊपर जाएगी 120 पे, है ना, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री, अगर CH3 में लेता हूँ वहां पे। फिर उसके बाद ये एंटी फॉर्म आ जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यार, बहुत सारा हमने बना चुके हैं, ये CH3 हो जाएगा, ये एंटी फॉर्म हो जाएगा, क्या बताइए, एंटी फॉर्म होगा क्या, मतलब ये स्टैगर्ड फॉर्म है बट एंटी फॉर्म में आ गए। इसमें 180 एंगल, अब इसकी एनर्जी कैसे जा सकती है, सपोज 180 पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो मैंने ऐसा बना दिया। फिर उसके बाद इसको और अपन करते तो ये CH3 इधर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग समझिए, ये एच, ये एच, ये CH3, ये वाला CH3 यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा। अब ये वाला कौन सा हो गया आपका, एक पार्शियली क्या हो गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गया, मतलब यहां से ये ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसा कुछ, बराबर है, ग्राफ ऐसा ही जाएगा ऊपर,
अब इसके बाद इसको घुमाएंगे तो कैसा बनेगा? ये तो वैसे ही बनने वाला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, और इसको घुमाएंगे तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ये H, ये H, तो अगेन गॉस फॉर्म आ गया। अगेन क्या आ गया? गॉस फॉर्म। तो मतलब इसकी एनर्जी कहाँ आएगी? थोड़ी सी ऐसा अपन एडजस्ट कर ले, ये इसके गॉस फॉर्म में आएगा। और फिर इसके बाद कौन सा फॉर्म आ जाएगा बताइए? इसके बाद फिर से फुल इक्लिप्स आ गया, है ना? इसके बाद फिर से फुल इक्लिप्स आ गया। फुल इक्लिप्स में कहाँ जाएगा? वो ऊपर जाएगा। तो ये मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना ली, सब कुछ आसमान। तो अब मैं तो बताऊँ, ये वाली जो लाइन है आप समझ रहे होंगे, ये वाली क्या है? फुल इक्लिप्स। और ये वाली जो लाइन है अपनी, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये अपना गॉस हो गया, है ना? और ये वाला जो है, ये अपना क्या हो गया? एनटीओ। और ये वाला जो हो गया अपना, ये हो गया पार्शियल इक्लिप्स। तो इस डायग्राम से आप आंख बंद करके बोल सकते हो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बोल सकते हो। बताइए, सबसे पहले एनटी होगा, उसके बाद में क्या होगा? गॉस। एनर्जी इसकी सबसे कम है ना, फिर उसके बाद गॉस की है, फिर उसके बाद किसकी है? पार्शियल इक्लिप्स। फिर उसके बाद कौन सी है? फुल्ली इक्लिप्स। मतलब अगर आप एंगल पे ध्यान दो तो सबसे ज्यादा 180 डिग्री वाला है, फिर 60 या फिर 300 डिग्री वाला है, एंड फिर उसके बाद में ये कौन सा है, 120 या 240 वाला है, फिर उसके बाद में कौन सा है, 0 या फिर 300 वाला। अरे सिंपल है, जिसकी ग्राफ नीचे में है वो ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे नीचे में ये गॉस वाला है, ये सॉरी ये एंटी वाला है, ये गॉस वाला है, ये पार्शियल है, ये फुल इक्लिप्स। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो? ग्राफ तो अभी आपको बनाया बताया भी है, तो इजीली समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। तो इस तरह से अपन कोई स्ट्रक्चर दिया तो उसका, अभी ये भी यही दिया है आपको, नाम दे दिया यहाँ पे और इसका ग्राफ बना दिया। तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है। सबसे ज्यादा स्टेबल अपना एंटी है और सबसे कम जो है वो फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब इनके एनर्जी, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस अपने को ये दिख रहा है, देखो। तो ये डिफरेंस को अपन बोलते हैं कंफर्मेशनल एनर्जी, CE। कंफर्मेशनल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड द लीस्ट स्टेबल फॉर्म। तो चाहे तो आप वहां पे लिख सकते हो कंफर्मेशनल, मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, तो आप लिख सकते हो। अगर CE क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म, इसी को अपन बोलते हैं कंफर्मेशनल एनर्जी। कभी कभी पूछ सकता है कि कंफर्मेशनल एनर्जी कितनी है, आपको वो ग्राफ के द्वारा एनर्जी की वैल्यू दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा या यहाँ दे देगा। तो बात समझ में आ रही है आपको?
यस वो बाद में करेंगे यार, अभी टॉपिक फिर क्या होता है, अभी ये टॉपिक चल रहा है तो फिर दूसरा वाला तुम वहां पे टॉपिक लेके आओगे तो फिर वो पूरा मिक्स हो जाएगा। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट वाले, फिर 5-10 मिनट आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। अभी यहाँ ध्यान दो ना, वो जो कल का पेपर है वो अपन डिस्कस कर लेंगे, लगे तो एक क्लास ले लेंगे, लेकिन ये वाला अभी यहाँ पे चल रहा है तो इस पे आप वो सब चीजें मत सोचो अभी। समझ गया क्या सबको? तो सेम वे से आप अभी जो ब्यूटेन एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया था उसके हिसाब से भी आप डायग्राम बना सकते हो। तो एन ब्यूटेन में सेम वैसे आप देखो CH3 CH3 सब पास में थे तो फुली क्लिप्ड हो जाएगा, अगर 60 डिग्री पे है तो गॉस हो जाएगा, है ना, पार्शियल इक्लिप्स आ जाएंगे, उसमें दो गॉस आ जाएंगे, पार्शियल इक्लिप्स दो आ जाएंगे एंड एंटी वाला दो आएगा, तो जो एंटी वाला होगा उसमें ज्यादा स्टेबल होगा, जो एंटी वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लोन पेयर नहीं, अगर हो तो एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, उसके हिसाब से आप डायग्राम बना सकते। तो अगर मैं बात करूं ये ब्यूटेन की, ये CH2 ये CH3 ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, तो इसका डायग्राम बनाओ तो वही चीज है कि ये 0 डिग्री है, फिर ये 60 डिग्री है, ये 120 है, ये 240 है, 120 के बाद 180 है, 240 है और 300 आप बना सकते हो। ये खाएगा इधर आएगा, इसके बाद कैसा होने वाला है ये, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा ना, 60 डिग्री रोटेट करने से कॉस फॉर्म हो जाएगा। तो यार इसका एनर्जी सपोज यहां से मैंने लिया, गॉस फॉर्म हो रहा है तो 60 पे आ रहा है, तो अपन ये ऐसा ले लिया, फिर उसके बाद में पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा है ना, मैं डायरेक्ट फिर एंटी हो जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स के बाद क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, 180 पे एंटी आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना, फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा फिर से, फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स के बाद क्या आ जाएगा, फिर वो फुली इक्लिप्स आ जाएगा। डायग्राम कुछ गड़बड़ नहीं, क्या यहाँ पे देखो जरा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, फिर गॉस फॉर्म आ गया, तो हमने ये ऐसा ले लिया कुछ, गॉस फॉर्म के बाद क्या क्या पार्शियल इक्लिप्स, तो अपन बराबर जा रहे हैं ना, यहाँ पे 120 पे आ जाएगा ये, 120 के बाद फिर 180 के नीचे आ जाएगा, तो ये ले रहे अपन 180 के बाद, फिर वो पार्स यहीं आएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, गॉस फॉर्म है फिर से एंड फिर ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम आप देख लेना, ये वाले जो है ये फुल इक्लिप्स है, ये पार्शियल इक्लिप्स है, ये गॉस है और ये एम्प्टी है, इसका डायग्राम बनाया मैंने शॉर्टकट में, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। क्या क्लियर है सबको? डायग्राम बनाना आ गया सबको? एकदम सिंपल से लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अमेजिंग डायग्राम, इतनी अच्छी नहीं बनी थी बट मेन चीज हम समझ गए कि क्या बन रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप डायग्राम, अच्छी डायग्राम किसको बोलोगे, जो समझ में आ गया, नॉट लाइक कि ड्रॉइंग अच्छी हो,
अच्छी डायग्राम उसको बोलेंगे जो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अपन कुछ स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन आपने देखा होगा। इसमें हमने पढ़ा था जैसे जितना कम ना रिंग एक्सपांशन में देखे जितना कम एंगल रहता है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो उतना कम स्टेबल होता है। इसका मतलब ये था कि ज्यादा स्ट्रेन रहने से, स्ट्रेन मतलब खींचतान बीच में, बॉन्ड्स के बीच में ज्यादा खींचतान मतलब स्ट्रेन, वो जितना कम है उतना ज्यादा अकड़ होती है उसमें, उस स्ट्रक्चर में, मतलब उतना कम वो स्टेबल होता है, और जितना ज्यादा एंगल होता है उतना वो फ्री रहता है। क्या ये सब चीजें आपको याद है? स्ट्रेन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो पहला अपन स्ट्रेन जो बोलेंगे वो टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, नाम नहीं बताया, सिर्फ आपको वो एक्सपीरियंस हो। तो जब एक सामने वाले के पास लोन पेयर हो तब ये, और पीछे वाले के पास बल्कि ग्रुप, तब ये स्ट्रेन क्रिएट होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन को और एक दूसरा नाम से अपन एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं, कोई कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो ये जो जैसे गॉस फॉर्म में लगता था वैसे ही स्ट्रेन है ये। इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है फ्रंट वाले के पास में। अब यहाँ पे सिंपली सिंपल उसमें लिखो, लोन पेयर इसके पास में रहता है, सब कुछ फ्रंट कार्बन लिखते, और बल्कि ग्रुप रेयर कार्बन, तब वो कार्बन वन और कार्बन टू में जो स्ट्रेन लगेगा उस स्ट्रेन को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या समझ गया? लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बारे में। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब जब ये, एक मिनट, टॉर्सनल लोन पेयर उसमें नहीं आएगा, बॉन्ड पेयर लिख लो, बॉन्ड पेयर के बीच मतलब रिपल्सन वाले जो थ्योरी है, रिपल्सन वाली जो थ्योरी है, जितना जितना पास पे रहते हैं उतना ज्यादा रिपल्सन होता है, वो स्ट्रेन को बोलते हैं अपन टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे। लोन पेयर नहीं, उसमें बॉन्ड पेयर आएगा, इसमें बॉन्ड पेयर का लिख लो। तो रिपल्सन, रिपल्सन कब होता है? इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो आप इससे भी समझ सकते हो, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन मतलब इक्लिप्स फॉर्म जो होता है। इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है? जब एक बड़ा ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ढक देते हैं एक दूसरे को। तो ये वाला थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ेंगे, फिर ये वाला याद रखो। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन मतलब ऐसा लिख लो, फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन के बीच में रिपल्सन एक्सिस्ट होता है, तो ये स्ट्रेन को अपन बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन या इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। बट देयरफॉर आप बोलो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट मोर स्टेबल एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। तो जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे वो आपका टॉर्सनल या इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है।
तो ये सिचुएशन कैसी हो सकती है, आप इसको अगर डायग्राम द्वारा बताना चाहते हो तो बाजू में आप लिख सकते हो। जैसे ये CH3 है, और जैसा ही CH3 दूसरा वाला इसके पास में आ जाएगा, आप समझो इस बात को, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। ये पहला वाला कार्बन का CH3 और पीछे वाला कार्बन का CH3, तो बॉन्ड पेयर है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो बॉन्ड पेयर अभी आपको समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिटवीन फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। देयरफॉर रिपल्शन एक्सिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो अपन अभी तक बात करते आए हैं कि अगर पास पास में बड़े ग्रुप है, बहुत पास में 0 डिग्री पे है सॉरी 0 डिग्री पे है, तो वो रिपल्शन ज्यादा हो रहा है बोल रहे हैं, तो वो कौन सा स्ट्रेन है, वो टॉर्सनल स्ट्रेन है। क्लियर हो गया सबको टॉर्सनल स्ट्रेन? तो जो अभी तक हमने बताया था वही है, रिपल्शन जो होता है वो टॉर्सनल या फिर एक्लिप्सिंग स्ट्रेन इसको बोल सकते हैं। दूसरा वाला टाइप अपन देखेंगे, 3 टाइप्स के हैं, दूसरा वाला स्टेरिक और वेंडर वॉल फोर्स, मतलब ये कुछ नहीं है जो गॉस फॉर्म में होता था, कि पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं तब ज्यादा समझने में आसानी होगी। जैसे ये CH3 इधर आ गया और ये CH3 इधर आ गया, तो इनके बीच में भी अभी क्या होगा, रिपल्शन होता है। बात किए थे ना अपन, इनके बीच में भी रिपल्शन होता है, लेकिन ये पास पास में नहीं है। अगर ये पास में रहता तो कौन सा स्ट्रेन होता, हम बोलते हैं वो कौन सा स्ट्रेन होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन होता। अब ये थोड़ा सा पास में गॉस फॉर्म हो गया, तब आप बोल सकते हो गॉस फॉर्म में जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन गॉस फॉर्म में जो रिपल्सन होता है वो स्टेरिक स्ट्रेन या वंडरवॉल फोर्स, उसको आप बोल सकते हो। गॉस फॉर्म में जो रिपल्सन होता है वही है आपका स्टेरिक, स्टेरिक मतलब रुकावट, स्टेरिक स्ट्रेन। अब इसमें इसका इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट फ्रंट एंड रियर कार्बन एट बल्की साइट कॉजेस रिपल्स। दिस इज नथिंग बट वंडरवॉल, मतलब जब कोई दो चीजें, एक पत्थर लिया दूसरा पत्थर लिया, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को आप मार रहे हो, मतलब वंडरवॉल फोर्स लग रहा है उसको। या ये दो एक जैसे ग्रुप है तो वो जैसे कुत्ते वाली बात की थी, एक दूसरे को वो दूर करने की सोचेंगे, ये वाला अपन स्टेरिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये गॉस फॉर्म होता है और टॉर्सनल वाला एक्लिप्स फॉर्म होता है, एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हो। आजू बाजू 60 डिग्री पे गॉस फॉर्म मतलब 60 डिग्री आ गया, और एक 300 डिग्री पे भी है मिलता आपको, तो 60 डिग्री या 300 डिग्री पे जो मिल रहा आपको गॉस फॉर्म, उसमें 60 डिग्री पे बड़े ग्रुप होते हैं बल्की ग्रुप, उनमें जो रिपल्सन होता है वो स्टेरिक स्ट्रेन अपन उसको बोलते हैं। और अब मेरे को बताओ कि टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होता है कि स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होता है? तो आप बोलोगे सर टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पहले से समझ में आ गया कि वहां पे रिपल्सन ज्यादा था यहाँ पे कम है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाला स्टेरिक स्ट्रेन हो गया, समझ गया? बताइए जल्दी। फिर एक ओके एंगल स्ट्रेन अपन बात करते, सबको समझ में आ रहा है?
ओके वेरी गुड। ठीक, एक और लास्ट वाला ले लेते हैं, एंगल स्ट्रेन जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एंगल स्ट्रेन। एक्चुअली ये क्या होता है कि जैसे सपोज ये मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया, सपोज यार वैसे देखा जाए तो ये एंगल 60 दिख रहे हैं मेरे को, अगर वैसे देखा जाए। लेकिन ये जो कार्बन है, ध्यान देना, ये कार्बन को 2H भी लगे हुए, ये कार्बन को भी 2H लगे हुए, इसको भी 2H लगे हुए, तो ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन। ये भी sp3, ये भी sp3, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो जनरली जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है अपना, मतलब एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए, ये कार्बन sp3 है तो। लेकिन एक्चुअल जो है इस दर पे क्या है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है अपने को, एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। तो जो एंगल स्ट्रेन होता है कितना हो गया, एंगल स्ट्रेन मतलब एक्सपेक्टेड ये 109 डिग्री 28 मिनट था एंड एक्चुअल आ गया 60 डिग्री। इनका डिफरेंस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, डिफरेंस करेंगे उनका तो डिवाइडेड बाय 2, तो वो एंगल स्ट्रेन आपको आ गया। तो सपोज मैंने ये वाला थीटा ले लिया ना, ये वाला थीटा डिग्री ले लिया, और इसका एक्चुअली जो है ये बड़ा वाला, इसको थीटा डैश बोलते, तो व्हाट इज एंगल स्ट्रेन, आप बोलोगे थीटा डैश माइनस थीटा अपॉन 2। अब क्या इतना आपको समझ में आ गया, ये हाइब्रिडाइजेशन का अपन पढ़ेंगे भी बाद में, सिर्फ इतना समझ में आ गया कि एक्चुअली वो अलग है और थ्योरेटिकली अलग है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ द एंगल, उसी को अपन एंगल स्ट्रेन बोलेंगे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? तो तीन टाइप के हैं, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तीन टाइप के स्ट्रेन है। स्ट्रेन स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना कम स्टेबल होगा, बात को समझिए आप। तो अब मेरे को अगर टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करूं तो टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब जैसा इक्लिप्स फॉर्म होता है, एकदम फुली इक्लिप्स में जो होता है बल्कि ग्रुप फ्रंट वाले का और बैक वाले का एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, तो वो बल्कि ग्रुप आपस में बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो उसके कारण वो जो स्ट्रेन हो रहा है उसके कारण वो स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। उसके बाद में दूसरा वाला हमने जो स्ट्रेन देखा था उसमें क्या देखा था कि गॉस फॉर्म हो गया। गॉस फॉर्म मतलब जब 60 डिग्री पे दो बड़े बड़े ग्रुप आते हैं तब भी रिपल्सन होता है, लेकिन ये रिपल्सन इक्लिप्स वाले फॉर्म से कम होता है, तो अपन बोलेंगे कि टॉर्सनल वाला ज्यादा ज्यादा स्ट्रेन है और स्टेरिक वाला कम स्ट्रेन है, तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, स्टेरिक वाला, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, स्टेरिक। और एंगल स्ट्रेन अपन जो थेरेटिकली ये कार्बन देखा जाए तो ये sp3 है, उसमें जनरली अपन पढ़ेंगे बाद में ch4 वगैरह इनका, तो ये आपको दिखेगा उसका एंगल, जनरली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये अपने को इसका थेरेटिकल वैल्यू है।
लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 60 डिग्री वो अपने को दिख रहा है, ये कार्बन का और वो कार्बन का जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एंगल स्ट्रेन। तो अब हमारा एक टॉपिक और बच गया है, तो उसको कल के लिए अपन छोड़ते हैं, बोट एंड चेयर फोर्स।